नमस्कार विद्यार्थियों, बीएससी सेकंड ईयर की मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, उस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देख रहे थे जब आरएचएस जीरो हो। ठीक है, आज अपन जब आरएचएस जीरो नहीं हो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो अपन पिछले लेक्चर में कॉम्प्लीमेंट्री टोटल सॉल्यूशन क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का, जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अपन ने निकालना सीखा था, आज देखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल यदि कोई भी इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होती, फाई ऑफ डी वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी आर एच एस जीरो नहीं है, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वन अपॉन फाई ऑफ डी, डी क्या है, डी बाई डी एक्स। क्या लिखेंगे यहाँ, जो एल एच एस में जो होगा डी का फंक्शन उसको वन अपॉन फाई ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये रखेंगे। और जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है वो डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, केवल जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वही कॉन्स्टेंट उसमें ही क्या होते हैं, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट होते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल में कोई आर्बिट्री कॉन्स्टेंट नहीं होता है। तो एक रिजल्ट है, जनरल रिजल्ट है, वो याद रखना है, क्या है, यदि इस टाइप का फंक्शन हो, इस टाइप का डी माइनस अल्फा इंटू एफ ओ पक्स, तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, ई की पावर अल्फा एक्स ई की पावर माइनस अल्फा एक्स एफ ओ पक्स डी एक्स। ठीक है, इस टाइप से होगा इसका। तो वाई ओ पी क्या होगा, यदि वही पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है तो वाई ओ पी है वन अपॉन डी माइनस अल्फा इंटू एफ ओ पक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डी माइनस अल्फा वाई पी इक्वल टू एफ ओ पक्स। तो डी वाई पी डी डी एक्स को सॉल्व कर ले तो ये क्या हो गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। तो सॉल्यूशन क्या होगा, वाई इंटू आई एफ वाई पी इंटू ई की पावर माइनस अल्फा की बार माइनस अल्फा अपॉन डी एक्स। तो ये आ गया इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, अब इसकी एक कोरोलरी है, यदि अल्फा इक्वल टू जीरो हो जाए तो वन अपॉन डी एफ ऑफ एक्स का क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब इसका एक एग्जांपल अब देख लेते हैं अपन। एग्जांपल है ये रहा, डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू वाई इक्वल टू कोस ई की पावर माइनस एक्स, ये है इसका। तो इसका अपने को सॉल्यूशन निकालना है, इसमें आर एच एस जीरो नहीं है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वाई इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सबसे पहले इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए इसकी एक्सिलरी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो डी इक्वल टू एम रखे, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो m की दो वैल्यू आ गई, m इक्वल टू वन और टू, तो दोनों डिस्टिंग है और रियल है। तो इसका जो yc होगा c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x। ठीक है, ये तो आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, c1 e की पावर x c2 e की पावर 2x। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, वन अपॉन फाई ऑफ डी, यानी ये रहा फाई ऑफ डी, डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू इंटू एफ ऑफ एक्स क्या है, कोस ई की पावर माइनस एक्स। अब इसका फैक्टराइज कर लेते, इसके दो फैक्टर है, डी माइनस को ऐसे लिख सकता हूँ डी माइनस वन और डी माइनस टू ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो एक बार डी माइनस वन को डी माइनस टू को बाहर ले लिया और डी माइनस वन को लेके कोस ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स। अब ये क्या है, वन अपॉन डी माइनस अल्फा टाइप की चीज़ है इंटू एफ ऑफ एक्स। तो इसका इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है ई की पावर अल्फा एक्स ई की पावर माइनस अल्फा एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है, वन, तो वन अपॉन डी माइनस टू ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स कोस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया हमने, तो इसका इंटीग्रेशन ये आ गया माइनस ई की पावर एक्स साइन की पावर माइनस एक्स। अब ये क्या बच गया, वन अपॉन डी माइनस टू इंटू एफ ओ एक्स टाइप का। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है, दो है, तो ई की पावर
तो अब उस रिजल्ट से e की पावर अल्फा एक्स e की पावर माइनस अल्फा एक्स एफ ओफ एक्स डी एक्स इसका क्या हो जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये लिख दिया, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो ये आ गया अपने पास e की पावर टू एक्स माइनस कोस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब पर्टिकुलर इंटीग्रल भी आ गया और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी आ गया। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। तो वाई सी क्या था, सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर टू एक्स माइनस ई की पावर टू एक्स कोस ई की पावर माइनस एक्स। ये आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्या आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब देखो आगे। अब कुछ स्पेशल टाइप ऑफ केसेज हैं, यदि पर्टिकुलर इंटीग्रल उस टाइप के आ जावे तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल जाता है वाई पी इक्वल टू वन अपॉन फाइव डी इंटू एफ ओपक्स, ये इससे अपन पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। यदि एफ ओपक्स, यदि जो फंक्शन है जो आर एच एस में, यदि एफ एक्स की जगह ई की पावर ए एक्स टाइप का फंक्शन आ जाए तब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे। जैसे आर एच एस में यदि ई की पावर ए एक्स आ जाए तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा डी इज रिप्लेसिंग बाई ए। इसका डायरेक्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, अपन पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वन डी को क्या ए रिप्लेस कर देंगे तो वन अपॉन फाइव हो पे ई की पावर ए एक्स क्या हो जाएगा इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब यदि केस फर्स्ट फेल हो, केस फर्स्ट फेल कब होगा, ये केस फर्स्ट है, ये फेल कब होगा जब फाई ऑफ ए, जब डी की जगह अपन ए रखेंगे, यदि फाई ऑफ ए यदि जीरो आ जाए तो ये केस क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा। ठीक है, तब क्या करेंगे, तब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, तब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा एक्स रेस टू पावर आर इंटू आर फैक्टोरियल जी ऑफ ए ई की पावर ए एक्स। ये इसका क्या होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा जब केस फर्स्ट फेल हो जाएगा, डी इज रिप्लेसिंग बाई ए करेंगे तो फाइव ऑफ ए यदि जीरो आ जाएगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे अपन पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए। ठीक है, इस टाइप से अपन ई की पावर, यदि एफ ऑफ एक्स ई की पावर ए एक्स हो तो उसका अपन पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं। अगले लेक्चर में अपन इसका एक एग्जांपल देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।